सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल डेटिया सॉल्यूशन पर। एक रिपेयरिंग के दौरान ये कार्ड हमारे सामने आया, सभी पार्ट्स उखड़े हुए हैं। इप्रोम उखड़ा हुआ है, LMB सॉकेट तक उखड़ा हुआ है और कार्ड में उल्टा करके दिखा दूँ तो पीछे रिजेक्ट का क्रॉस किया हुआ है, तो बिल्कुल रिजेक्ट किया हुआ है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे आज की वीडियो में यही देखेंगे। पहले ये पार्ट्स लगाएंगे, फिर इप्रोम लगाएंगे, फिर LMB सॉकेट लगाएंगे और साथ के साथ थोड़ी सी पार्ट्स की जानकारी भी आपको देते चलेंगे। इसमें जो ये पार्ट्स हमें लगाने होंगे वो उनकी वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हुए चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस कार्ड को ओके करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो देर ना करते हुए। तो दोस्तों इस कार्ड के अंदर हम ये पार्ट्स जोड़ेंगे एक एक करके। ऐसा ही सेम कार्ड एक लेंगे जिसमें से हम पार्ट्स उतार के इस कार्ड के अंदर लगाएंगे। तो सेम कार्ड हमने ले लिया है और जैसे जैसे मैं इसमें पार्ट्स लगाऊंगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी बताता हुआ चलूंगा। जो वैल्यू आपको बताई जाए उस पर ध्यान दें थोड़ा सा और वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस सबसे ऊपर लगी है ये 10K का रेजिस्टेंस है जो बड़े से PF के निशान के ऊपर है। और ये जो इस बड़े निशान PF के नीचे लगी है ये 20K का रेजिस्टेंस है और ये थोड़े से शिफ्ट एंड को सीधा करके और ये बड़ा PF इसमें 104 PF लगाएंगे। ये 104 PF इसमें लगेगा। इन वैल्यू को ध्यान रखें, आपको भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए वैल्यू का ध्यान रखें। और अब इसमें इप्रोम लगाएंगे। और इप्रोम लगाने के बाद पहले कार्ड को ओके चेक करेंगे, ओके हुआ नहीं हुआ या अभी भी कुछ काम इसमें करना बाकी है। ये प्रॉम इसमें लगा दिए, अब इसे चेक करेंगे चला के जिक पे लगा के। अब इसमें ये चेक करेंगे कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं रह गई है, ठीक है बिल्कुल। अब इसे चेक करेंगे पैनल और सप्लाई की वायर लगा के कि ऑन हुआ या नहीं हुआ। अभी ऑन नहीं हुआ है तो अपने हिसाब से सभी वोल्टेज चेक करते हुए फॉल्ट को देखेंगे। वोल्टेज आपको बताइए कितनी वोल्टेज कहाँ आती है। अब इसमें हमें जो है रैम की प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो एक बार दबा के देख लेते हैं कहीं ड्राई तो नहीं है। तो अब इसमें रैम चेंज करेंगे, रैम की प्रॉब्लम है इसमें तो आप ही के सामने मैं चेंज करके दिखाऊंगा। पहले इसको उतार लेता हूँ। वीडियो दोस्तों बिल्कुल पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें तभी पूरी तरह समझ में आएगा। वोल्टेज मैंने इसलिए दिखाई कि वोल्टेज मैं कई बार दिखा चुका हूँ।
ये रैम मैंने उतार दिए। इस पे देखिए मैंने क्रॉस भी लगा दिया पेंसिल से, और अब इसके अंदर मैं दूसरा रैम आईसी लगाऊंगा। पिनों को बिल्कुल साफ करने के बाद आप भी पिनों को बिल्कुल ध्यान से साफ करें, कोई शॉर्टिंग नहीं रहे। ये रैम इसमें लगाऊंगा ESMT। थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है, पेस्ट भी उसी हिसाब से लगाएं। ज़्यादा पेस्ट अगर लगाएंगे तो बाद में बोर्ड काला हो जाएगा, आईसी की पिनें भी काली हो जाएंगी और वो ड्राई कर जाएगा। तो पेस्ट बिल्कुल कम लगाएं और बड़े ध्यान से सोल्डर करें। पिनों में शॉर्टिंग ना रहे ये भी ध्यान से देखते हुए रहें इसका। अब इसे लगा के देखेंगे, अगर कार्ड हमारा ऑन हो जाता है तो इसे बाद में फिर फिनिशिंग करेंगे। कार्ड ऑन हो गया हमारा। मैं एक बार पैनल को पास से भी दिखा देता हूँ लगा के, मुझे कैमरा घुमाना नहीं पड़ेगा, पैनल मैंने अलग से कर लिया है। ये वो रैम है जो ख़राब निकला है, और अब LMB सॉकेट इसमें लगाएंगे, उसके बाद इसे फाइनली चेकिंग करेंगे। इस कार्ड को पूरी तरह डैमेज ही करके भेज दिया। काम बिल्कुल तसल्ली से करें, हम भी बिल्कुल काम बड़े तसल्ली से करते हैं, चाहे भले एक दो मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं कोई बात नहीं, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। तो इस पुराने बोर्ड से हम सॉकेट निकालेंगे और इसमें लगाएंगे। तो ये बहुत ध्यान से लगाएं, कोई शॉर्टिंग ना रह जाए, क्योंकि इसमें LMB के लिए 18 वोल्ट 14 वोल्ट आता है, तो शॉर्टिंग होने से कोई फॉल्ट हो सकता है। इस रैम आईसी को भी साफ कर लेंगे कॉटन के कपड़े से, ताकि एक्स्ट्रा पेस्ट जो हो वो हमारी साफ़ हो जाए। अब इसे चेक करेंगे, LMB सॉकेट भी लग चुका है, ये सिर्फ फाइनल चेकिंग अब हो रही है हमारी लास्ट में। देखिए पैनल पे डिस्प्ले आ चुकी है, और TV की वायरें और LMB की वायर भी लग चुकी हैं। ये देखिए सिग्नल पे 75, और अब कैमरा में TV की तरफ भी करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास कार्ड ओके हो गया। तो दोस्तों बड़ी सावधानी से काम करें, तो कितना भी डैमेज कार्ड हो वो भी
ओके हो सकता है। तो दोस्तों एक डैमेज कार्ड आया जिसकी वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।